हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। आज बनाएंगे मंदिर के प्रसाद कानिका। कानिका बनाने के लिए बासमती चावल को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। इस कप से मेजरमेंट किया है, 1 कप चावल लिए है, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, काजू, किशमिश, तेजपत्ता, इलायची, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और देसी घी लिया है। एक कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा दे, देसी घी 2 चम्मच डाल दे। इस डिश के लिए आप देसी घी यूज कीजिए। देसी घी पिघलने के बाद तेज पत्ता डाल दे। खड़े मसाले डालकर 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। काजू किशमिश को डालकर भून लेंगे। काजू किशमिश फ्राई हो गए हैं। अभी चावल को अच्छे से धोकर डाल देंगे। चावल को थोड़ा टाइम भून लेंगे। चावल से पानी सूखने तक भूनना है। हल्दी पाउडर डाल देंगे। एक कप चावल के लिए 2 कप पानी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल दे, चीनी डाल दे। आपके मीठा से हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं चीनी। मंदिर में थोड़ा चावल मीठा बनता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चीनी डाली हूँ। इसे आप मीठे चावल भी बोल सकते हैं। अभी कवर ढककर कुक करेंगे। हम यहाँ पे लगभग 20 मिनट तक कुक किए हैं। देखिए पानी सूख गया है। आप 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे तो पानी सूख जाएगा। गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। ऐसे ही कवर ढककर छोड़ दें। पाँच दस मिनट के बाद कवर हटाएंगे। हमारा कानिका पूरी तरह रेडी है। देखिए हमारा कानिका पूरी तरह खिला खिला बना है और पानी भी सूख गया है। गर्मा गर्म कानिका सर्व कर लेते हैं।